तो आज प्रीति जी कहाँ लेके जा रहे हो? चांदनी चौक, लाल किला पे घूमेंगे और अपने चेहरे को रेड रेड कर लेंगे। हमें ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि धूप इतना रेड कर देगा ना। तो चांदनी चौक की फेमस फेमस चीजें खिलाएंगे। हाँ, क्या क्या खाएंगे आप? मलाई रबड़ी मलाई कांजी बड़ा खाऊंगी मैं, मटर सॉस खाऊंगी मैं और रबड़ी खाऊंगी। ओके, जलेबी? जलेबी नहीं पसंद, मैं खा लूंगी। जलेबी मैं खा लूंगी। ओके, और पराठे खाएंगे? कोई तो ऐसा है जो आप नहीं खाएंगे? मैं खा लूंगी। हाँ, पराठे वाले गले के पराठे खाएंगे। ओके, पराठे कौन कौन से खाने हैं आपको? जैसे चीज के पराठे खाऊंगी, पनीर के पराठे। ओके, हम आप आएंगे ना वहाँ से? इसलिए सब लास्ट में कांजी वड़ा खाएंगे, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को लेके चलेंगे चांदनी चौक के बाजार में, जैसे कि पुरानी दिल्ली। और ये पुरानी दिल्ली में काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छी बाज़ार है, जहाँ लोग शादी की शॉपिंग करने के लिए, ज़्यादा लोग शादी की शॉपिंग करते हैं, या अपने बर्थडे की भी शॉपिंग कर सकते हैं, एनिवर्सरी की भी शॉपिंग कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ घूमने वाली शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पे ब्राइडल चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं और बहुत अच्छी। तो हमने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को भी ये चीज़ें दिखाया जाए, और मैं और मेरी फ्रेंड यानी हम प्रिशा साथ में निकल गए चांदनी चौक। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बाज़ार में जाते जाते हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये कार्ड्स मिल रहे थे गिफ्ट देने के लिए, टॉयज मिल रहे थे बच्चों के, छोटे छोटे क्रॉक्स, क्यूट क्यूट से चप्पल मिल रहे थे, और मैंने बलून वाले गुब्बारे भी खेले जो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैंने बैंगल्स भी देखे, बैंगल्स देखे बहुत के, मतलब पूरे 8 बैंगल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो मैंने एक अपनी मम्मी के लिए भी खरीद लिया। मैं ये सोची थी कि मल्टी कलर का खरीदी तो मतलब काफ़ी यूज़फुल हो, जो मम्मी हर एक साड़ी पे पहन पाए, फिर खुश हो जाए। तो मैंने इस तरह चलते चलते हम वहाँ पे गुरुद्वारा पहुँच गए। आपने गुरुद्वारा का नाम तो सुना होगा, काफ़ी फेमस है। और उसके बाद हम देख रहे थे गली के सेट काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे 100 रुपये में। लड्डू गोपाल के कपड़े भी हमने देखे वहाँ पे, दुपट्टे, क्लचर्स, ऐसी कान के एयरिंग्स काफ़ी प्यारे प्यारे, और वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि 30 रुपये में। एक ही दाम फिक्स प्राइस, जिसमें आप कोई बार्गेनिंग नहीं करवा सकते, ओनली ऑन 30 रुपये में जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। तो हमें देख के घूम के इतना मज़ा आया, और हम हर जगह पे छोटी छोटी चीज़ें देख रहे थे। हमें तो नेगोशिएशन करने में और ऐसे ही छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है। एप्पल्स के बर्ड्स भी दे रहे थे भाई, वो तो करते रहे। और आते ही आते एक मिठाई की शॉप मिली, जहाँ मेरी फ्रेंड वहाँ पे रुक के उसने पूछा कौन सी मिठाई कैसे है, पेड़े कैसे हैं, खोए की बर्फ़ी कैसी है, टोडा बर्फ़ी कैसे है, लड्डू कैसे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं खाया, बस हमने पूछा और फिर हम वहाँ से चल दिए। और वहाँ पे धूप भी इतनी ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत थी फ्रेंड्स, पर वो जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, वो नेक्स्ट लेवल था। मज़ा तो इतना आ रहा था। आप पूछो ही मत। फिर जाते जाते हमें एक और शॉप मिली जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फुटवेयर मिल रहे थे, क्रॉक्स मिल रहे थे, स्लीपर्स मिल रहे थे, सैंडल्स, शूज, और ये एक बैग की शॉप हमें दिखी जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे बैग मिल रहे थे और काफ़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। उन्होंने अपने दुकान के आगे, जैसे लोग नहीं कहते चांदनी चौक में सस्ती चीज़ें मिलती हैं लूटने आ जाओ, तो आजकल दुकान वालों का ट्रेंड हो गया फिक्स प्राइस, नो बार्गेनिंग। आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो जिससे वो कोई भी बार्गेनिंग ना करें और उनकी चीज़ें लेके चला जाए। बट हम कहाँ मानने वाले हैं, हमारे अंदर का चुल नहीं मान रहा, हमें तो बार्गेनिंग करनी ही करनी थी। फिर हम इस शॉप पे रुके, और जैसे ही मेरी फ्रेंड्स
हम चिड़िया को देख के काफ़ी अट्रैक्ट हुए। मैंने कहा ऐसी तो नहीं है कि चिड़िया यहीं चांदनी चौक में उड़ रही है, हमारे यहाँ उड़ना बंद तो नहीं हो जाएगी। फिर मेरी फ्रेंड्स को मैंने ये बबल उड़ाए थे तो उसको कहाँ मानना था, वो भी आ गई उड़ाने के लिए। और देखिए जैसे ही इनका शॉट हवाओं में गया, भाई हंसते हंसते हम बिल्कुल लोट पोट हो गए। इतना मज़ा आया फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते। जब मुझे अभी एक लिस्ट देखी इतना मज़ा आ रहा है, उस टाइम तो मैं बता ही नहीं सकती। जैसे हमें देखना सब कुछ है, लेना कुछ नहीं है। यहाँ पे हम देखने लगे, फिर 30 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे एयरिंग्स मिल रहे थे, और धूप में हमारी हालत देख सकते हैं आप। और मेरी फ्रेंड्स अपने चश्मे भी भूल गई थी, जिसको हमने काफ़ी याद किया। भाई आँखें जल रही थी, बॉडी जल रही थी, पर हम हैं जो चांदनी चौक में घूमने जा रहे हैं। डेडिकेशन ही हमारा नेक्स्ट लेवल का था। हर शॉप पे रुके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पीछे जा रहे हैं। ये जैसे कि मैंने बैग देखा, ले लीजिए, मनाली के काम आएगा। मनाली का नाम लीजिए, कुछ नहीं सकता है, चांदी पर टिक ना पाएंगे। दिखने में तो अच्छा था, कुछ कह सकते हैं, बट मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने सोचते सोचते फिर मैंने फाइनल रिजल्ट यही निकाला कि नहीं यार नहीं लेते हैं, क्योंकि पहले ही ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगा, और कहीं ले लिया और फिर फट जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा नहीं लेते हैं। तो क्या खाएं मैम, टी शर्ट लेंगे क्या? नहीं भैया, मैम लहंगा लेंगे क्या? हाँ अभी दूसरी शादी करूँगी तो लूँगी। साड़ी और साड़ी वगैरह भी है पार्टी में। चलो और देखते हैं क्या नाम है। चलिए भैया लेटेस्ट दिखाइए, वीडियो सुना सकते हैं साड़ी की। जाते जाते हम लोग एक शॉप पे गए, साड़ी की शॉप पे, क्योंकि हमें साड़ी देखने का भी बड़ा शौक है। और ऐसे ब्राइडल कोई भी ब्राइड आके अपने लिए ब्राइडल लुक ट्राई करती हैं, लहंगा साड़ी, और आपको तो पता है हर लड़कियों को काफ़ी शौक होता है। ज़रूरी नहीं कि उनकी शादी हो तभी उन्हें सुंदर दिखना है, उन्हें तो हर एक फंक्शन में बहुत अच्छा दिखना है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, और हर शॉप से जाके हमने वेयर किए ड्रेसेस, और हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, रिजनेबल भी था। और हर गली पे हम पूछते गए भैया आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो कुछ अच्छा नहीं है। ये क्या जापानी समोसा? आपको बताती रहेंगी कि आप मेरी शॉप पे चलो, मेरी शॉप पे चलो। आलू पेटी खाएंगे? लास्ट डिसीजन आप लोग ये आपको किस शॉप पे जाना है? छोटी में रबड़ी है, और ये जीरा में कुल्हड़ बड़ा, यही वाले इसमें हां बढ़िया दे दो। ये लिखना है नहीं बनी चली करना सब लगा बताइए भैया भैया मतलब क्या ये 500 वाले, ये 600 वाले हैं? अच्छा तो अगर 950 तो अगर डिस्काउंट करना चाहते हैं तो डिस्काउंट नहीं करेगा? डिस्काउंट करते हैं। अच्छा ओके, चिकन करी में नहीं है भैया आपके पास? अच्छा ये वाले हैं, वो जॉर्जेट वाले नहीं है ना? जॉर्जेट ही है, जॉर्जेट नहीं लग रहा, कॉटन लग रहा भैया। ओके भैया इनको नमूने बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा बिहार, आप कहाँ के भैया? हम तो बागेश्वर वाले हैं, फैक्ट्री करते हैं हम लोग तो, ये बिहारी तो कैम चोमा के बच्चों करते हैं। बागेश्वर धाम से आप? हाँ जी। कहाँ से? छतरपुर से। मैं पन्ना से हूँ। अच्छा मैं छतरपुर से हूँ। बहुत बढ़िया भैया, तो यहाँ की दुकान खोली है? हाँ। कब से?
15-16 साल हो गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। जाते हैं छतरपुर या नहीं? जाते रहते हैं, कल परसों फिर जाएंगे। अच्छा, सब ठीक है। जैसे कि ये भैया हमें मिले, ये काफ़ी मज़ा आ गया, काफ़ी फनी, बहुत ज़्यादा फनी थे मेरी फ्रेंड्स। जैसे कि एमपी की तो पता है, एमपी वालों की लैंग्वेज काफ़ी अच्छी होती है, शहर का हवाला दे गया हमसे, काफ़ी अच्छा खासा। तो इसी चक्कर में पर्व में दे दीजिए फ्री में भैया, दो चार ले जाके बांटे वहाँ पे हम पन्ना में। नहीं, मेरा भी अच्छी होती है, 650 से स्टार्टिंग होती है, 300 के होते हैं, ये तो कट करके डालते हैं ये और बताइए क्या लेंगे मैडम, पन्ना वाली मैडम चाय आपके लिए? नहीं नहीं भैया, चाय थोड़ी सी नहीं, पन्ना वाली मैडम चाय ना, चाय हम चाय पियेंगे क्या भैया? क्या पियोगी फिर बताओ, क्या मुड़ता है, क्या क्या फेमस है? और तो क्या चाय थोड़ा लेना, चल रहे हैं भैया, कह रहे थे बहन फ्री में ही लेके जाओ। आप बताइए, फ्री की कोई चीजें डाइजेस्ट होती हैं क्या जो हम उनसे फ्री में ले लेते हैं? जैसे कि शॉपिंग तो हमने इनसे भी कुछ नहीं की, बट इनसे बातें करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ेदार भैया थे, इनकी हंसी और इनकी बातें कितने दोनों, इनके एक्सप्रेशन बिल्कुल मैच करते थे इनके कैरेक्टर से, बहुत फनी, बहुत लविंग, बहुत अच्छे थे। क्या करना पीजी ले ली, क्या नाम से आपके, अभी नाम तो बता दो आपका, जब भी तो देखें अभी माफ सब्सक्राइब कर देना भैया, आपको क्या उसमें फ़ोन में एकदम सब्सक्राइब करके जाएंगे पूरे गांव को करवा दूँगा, गांव जा रहा हूँ ना, पूरे पन्ना में पूरे आगे जाते जाते कि अंकल जी मिले, अंकल जी भी काफ़ी अच्छे थे बिहेवियर, वो चांदनी चौक का एक्सपीरियंस बता रहे थे, कितने सालों से शॉप में हैं, कितने साल से बैठते हैं, कैसी साड़ियां लोग वेरी करते हैं, कैसी लोगों को चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, सब आदत पड़ जाती बेटा। सही बात है, अब आजकल 2 साल के बच्चे को देखो उसके हाथ में फोन होगा, हाँ तो मतलब फोन के बिना वो खाना नहीं खाते बच्चे, क्या कि भैया बच्चा खाना ना खा रहा, फोन नहीं खेलेगा तो। अंकल जी जाते हैं नैनीताला? हाँ बेटा जाते हैं। कब जाते हैं? 2-3 महीने में जाते हैं, लगता है। अच्छा, फैमिली वही रहती है? हाँ। आप ही रहते हैं? फिर हम वहाँ से एक और शॉप पे आए, यहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा हमें, और फिर बैठे रहे हम, और बैठे बैठे फिर यहाँ पे हम साड़ियाँ देखने लगे, और भैया की नई नई शॉप थी, वो काफ़ी एक्साइटेड थे अपनी दुकान को लेके, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखा रहे थे, उन्हें ये था कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाएं, पर अब हमारे अंदर का जो है कि भाई वो एक पे रुकते ही नहीं है, भाई ये भी देखना है, वो भी देखना है, जैसे कि आप मेरी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। बस सोच रहे हैं कि ऐसे देखते देखते गुरुद्वारा की तरफ चल रहे हैं, चलिए आइए सर। तीसरा गुरुद्वारा, गुलाब जामुन खाएंगे क्या? ब्राउन ब्राउन चौड़ियाँ लग रहा है कि अगली तरफ बनी लहंगे देखने का? हाँ भैया लहंगे, शादी हो चुकी है, साड़ी कोई पहनाती नहीं है। आइए प्रीति जी, खाना
मेरी सकल आ गई ब्लॉग में, मैंने कहा अच्छी बात है। ये फेमस है यहाँ पे मटर के समोसे। भैया मटर के समोसे होंगे? हाँ जी दीदी, आप खाएंगे? हाँ हाँ, जलेबी यहाँ की फेमस है। जलेबी लेनी है भैया? जलेबी खोवा की होती है ना? मैंने कहा मैंने वाली है, तो लेते ना एक प्लेट, ट्राई तो करें। जलेबी और रबड़ी के साथ देते हो भैया? ओके ठीक है, दो समोसे ले लेते हैं और ये जलेबी ले लें विथ रबड़ी। हाँ जलेबी विथ रबड़ी दीदी, 140 ठीक। रबड़ी जलेबी देना, समोसा आलू का, मटर का? हाँ हाँ मटर का भैया, दो समोसे। हाँ सही है, एक रबड़ी जलेबी देना भैया। बहुत पुरानी दुकान है ये, कुछ बता सकते हैं अपनी दुकान के बारे में? नहीं ये सीक्रेट है क्या? चलो हम गुड़ डालेंगे अपना मॉडल, रबड़ी जलेबी आ जाओ और बस उसके बाद खाएंगे। हेलो प्रोग्राम में तुमने लड्डी लड्डी देखा? गुरुद्वारा के सामने बस ठीक आ रहा है। हाँ बस 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 वहीं आ रहे, वहीं आ रहे, वहीं आ रहे। मतलब अभी हम ना उससे पहले ही वहाँ जल्दी आप हो गया ना गुरुद्वारा तो? नहीं नहीं वहाँ नहीं होगी, आ रही हूँ बस। हम लोग अभी पीछे ही हैं, तुम आगे चल गए। चलिए हम टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। भैया एक समोसा देना और एक और ऐसे घूमते 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 हम लोग गलियों में गए, लहंगी लहंगी साड़ियाँ बहुत सारी चीज़ें कितने में लगे और पैर भी दुख रहे थे, टाग भी लग रही थी, इतनी ज़्यादा थी, उसे भी आ रहा था और टॉयलेट भी काफ़ी अच्छे अच्छे लड़कों को मिल रहे थे। चलते चलते हम लोग सारी शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। फिर हम गए पराठे वाली गली में, पराठे वाली गली में जाके हर तरीके के पराठे मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है। बट हमने सोचा कि हम ट्राई करेंगे, हम थोड़ा खाएंगे भी, बट गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा थी ना फ्रेंड्स कि ऑयली चीज़ देख के ही वॉमिट जैसा फील आ रहा था, तो फिर हमने तो टेस्ट नहीं किया। अगर बाई द वे कभी अगर ठंडियों के दिन में हम गए तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे, बट आप ट्राई करना, पक्का ट्राई करना। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि पराठा वाली गली चांदनी चौक जितना पुराना है उतना ही फेमस ये गली भी है और यहाँ के पराठे भी हैं, लोग आते हैं खाते हैं और यम्मी यम्मी पराठों का जायका भी लेते हैं। बट हम इतने थक गए थे इतनी धूप और गर्मी में कि हम खा नहीं पाए, बट आप लोगों के लिए हमने रिकॉर्ड किया और हमने देखा कि कौन कौन से पराठे वहाँ पे, मतलब हर वैरायटीज पराठे बनते हैं, जैसे आप प्याज के पराठे, पनीर के पराठे, मूली के पराठे, सब्जी के पराठे, खोए के पराठे, इवन वो ड्राई फ्रूट्स के भी पराठे बनाते हैं। मतलब उन्हें ऐसा कोई पराठा नहीं जो उन्हें बनाना नहीं है, और वो बना के उनका एक प्रोसेस है, वो तल देते हैं, डीपली फ्राई करते हैं। जैसे कि ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं, हम वहाँ पे खड़े हुए थे। हमने आपके लिए प्रॉपर सारा रिकॉर्ड किया कि कौन सा पराठा कैसा है क्या है, बट हम खा नहीं पाए वहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने रिकॉर्ड किया
और फिर एक भैया से हम मिले, हम उनसे पूछ रहे थे कि कुछ और तो फेमस नहीं है खाने के लिए यहाँ पे, बोले आप आगे जा सकते हो, यहाँ पे छोले भटूरे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पे मतलब कई लोगों से मिले, मज़ा आया। फिर जाते 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 एक और अच्छी सी शॉप दिखी थी यहाँ पे, देखिए वही पराठे मिल रहे थे, वही चीज़ें। अच्छा तो आप बनारस से इसलिए पान पसंद है? कुछ भी बुरा हाल जाहिर सी बात है, बनारस पान पसंद है, कई पसंद है। बनारस से सोचा की खोलना चाहिए ना, बनारस का टच देना चाहिए दिल्ली में भी, वो भी पुरानी दिल्ली में। दुकान हमारी काफी पुरानी, कितना भी टाइम है। अभी ये पत्ता छोटा वाला नहीं यूज करते जो मीठी पत्ती कहलाती है, मे बी हाँ जी भैया जी, मीठी पत्ती आती है ना छोटी वाली, वो नहीं यूज़ करते हैं पान में? छोटी नहीं है, मीठा पत्ता तो बड़ा ही आता है, छोटा तो मज़ा ही आता है। अच्छा खाई की पान बनारस वाला, तो बस वही है कि हमारे दिमाग का ताला खुले ना खुले, पर पान तो हमें खाना है भाई। इतना यम्मी, इतना अच्छा पान था ना, क्या ही पान बनाया था हमने, क्या कत्थे की खुशबू, वो भाई मुँह में जाती हुई। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें चांदी चौक में बनारस का टेस्ट आए, पर भैया ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि बनारस का ही स्वाद दे पाएँ। मज़ा आया, काफ़ी अच्छा आया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और पान खाने को मिला भाई। तो ये कहाँ करेंगे भैया? इस गली में, ये चांदी चौक में है, पुरानी दिल्ली में सो सकते हैं, नई बिल्डिंग तो हमने तो आपने कभी मैजिक किया था पुरानी दिल्ली में? पान का ये तो दिखा दिया। और आते आते हम आए मॉल में, काफ़ी अच्छा चांदी चौक में एक नया मॉल खुला है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा, बढ़िया, इतना लग्जरीज। और पता है फ्रेंड्स, ये ना मतलब पुरानी चीज़ों को, जैसे कि चांदनी चौक ना अपने पुराने कल्चर को लेके काफ़ी फेमस है, राजा महाराजा किला लाल किला, मतलब काफ़ी वहाँ पे दर्शाए गए काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब डिज़ाइन किया हुआ है, सब कुछ सारा ट्राई कर सकते हो आप, बर्गर किंग कुछ ट्राई कर सकते हैं आप। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मज़ा आया। इंटीरियर देखो यहाँ का, और ये काफ़ी बारीकी से मतलब बनाया गया, जैसे कि पुरानी दिल्ली तो वहाँ सारी पुरानी चीज़ों में ऐसे लगा डेकोरेट करके बनाया गया, राजा महाराजा के उसमें अकबर के जमाने वाले झूमर और पेंट भी वैसी, पेंटिंग भी वैसी की गई है जैसे कि राजा महाराजा का सभा होता था उस तरीके से, हाँ काफ़ी बारीकियों से इसे बनाया गया है, जैसे कि ये फील आ रही है पुरानी दिल्ली में है। हेलो, 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 हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम
Very, very, very fine. From Panna, MP. Panna, MP. Yes. You are also mother? First mother. Okay. लगा हुआ है आप पहले बढ़िया 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 बाय बाय